Oi, Okay, so the roads are not empty like I wanted, like it was yesterday for some reason. Fucking hopping cars. What's up, ladies and gentlemen? It's been 10 days since the start of the year, more than 10 days, and I have not uploaded a single video. What is the hell? Okay, first of all, as always, mere bike ko lagi hai bhook. So first I'll have to fuel up. And air bhi kam feel ho raha hai. Wo bhi bharate hain. Ooh, so much noise. I like it. Speed kar do ji full. Bas. Dekhna tanki mein na gire. I'm actually on the zebra crossing right now, but nobody used the zebra crossing, so it doesn't make any sense following the rules if nobody else is following the rule. You know, people, pedestrians, they cross anytime, so I don't see any sense in following the rules when others are not. Otherwise, I'm a very ruled vratar rider. Okay, I don't break the rules for no reason at all. Actually, I break very few rules, especially traffic lights. I never break traffic lights. No. Not my cup of tea. It just feels wrong to me. Sanskar itne acche diye hai na mummy papa ne. Rules tode nahi jate. Mujhe yaad hai pehle jab main KTM ride karta tha, tab mere paas bar and mirrors the obviously. Aye, bar and mirrors mein kya hota tha na, those mirrors they used to be blocked with my hands. And when they used to be blocked with my hands, obviously you can't see them. Aur fir har dusra banda ye dekho chutiya sala bhed ka loda. When I'm riding like this, the normal people, they don't bother because I'm riding in a straight line, nothing is wrong. And even when I'm crossing, I do shoulder checks. I know what is around me. But those are desh bhakt hote hain na, jo ghanta kuch nahi karte, sirf bolte rehte hain. Arre re re re, un logon ke sabse pehle comments aayenge, bhai mirror kidhar hai? Where are your rear view mirrors? Abhi tune road pe chalai bhi hai gaadi, to jante hai meri gaadi mein kya kya hai? आके खोल के देख, वीडियो में बार एंड मिरर्स दिखते भी हैं बहुत सारे एंगल्स हैं, बट नहीं भाई साहब, को वो नहीं करना है, कोई मिरर के दरो दरो तू लगा ले आके, इतनी टेंशन हो रही है तो. अच्छे राइडर या ड्राइवर का ना दो एक दो चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है. पहला, वो कभी एक्सीडेंट में ना पड़ाओ. मान लो वो चला भी गया, क्योंकि एक्सीडेंट कभी पूरा आपके कंट्रोल में नहीं होता, सामने भी कुछ हरकत कर दी तो हो जाता है. जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना अच्छे राइडर या ड्राइवर का, वो ये होता है उसकी वजह से आज तक कभी एक्सीडेंट ना हुआ. मैंने देखे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है. एंड लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मैं ये सब जब बोलता हूँ ना तो मैं किसी स्टंटर की बात नहीं कर रहा, ये मैं रेगुलर अपने स्ट्रीट रॉसी की बात कर रहा हूँ. जितने भी अपने 90% स्ट्रीट रॉसी होते हैं ना भाई साहब, ऐसे ऐसे कट मार के निकलते हैं कि पीछे वाले को ब्रेक मारना ही पड़ता है. बिकॉज उनको लॉजिक नहीं समझ में आता कि तुम आगे जा रहे हो तो वो भी आगे आ ही रहे हैं, तो वो ऐसे क्लोज कट मारेंगे. उसने गलती से भी थोड़ा ज्यादा रेस दे दिया, उनको पड़ जाएगी. उनको अगर उन्होंने हिट किया तो बाइक वाला मरेगा, और वो तो चलो मर के निकल गया यार, उसके फैमिली को प्रॉब्लम, और ये जिस गाड़ी वाले से लग गई, अब फिर वो कोर्ट के चक्कर मारता रहेगा. बींग स्टूपिड इज लाइक बींग डेड, इट डज नॉट इफेक्ट यू, इट इफेक्ट एवरीवन अराउंड यू. अर्थात बेवकूफ होना मरने की तरह होता है, तुम्हें तो कुछ नहीं होता, तुम तो निकल लिए, आसपास वाले रोते रह जाते हैं. ये था अपना देसी एक्सप्लेनेशन, ठीक है. अभी मैंने जो गोवा ब्लॉग किया था ना वो हिंदी में किया था, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा. तो अच्छा लगने के चक्कर में एक अच्छे काम और कर रहा हूँ,
मैंने गोवा वाले व्लॉग में ना बहुत सारे लोगों को मेरा बात करने का थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लगा था, बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड था। मैं न्यूट्रल टोन में बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरा एक्सेंट बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न है, क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, मैं नॉर्थ का हूँ, चंडीगढ़ में पैदा हुआ हूँ, 7 साल वहीं पर बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में 4 साल रहा हूँ, गुड़गांव में 1 साल रहा हूँ, और इसके अलावा जब मैं नीचे भी गया हूँ तो फिर बाहर भी रहा हूँ, मुंबई में मैं आई थिंक टोटल 9 साल रहा हूँ। ये सारे जगह जो है ना प्लस माइनस 1 ईयर करके लेना, पता चला टोटल करके तुम लोगों ने मेरा एज निकाला, एज मेरा 32 आ रहा है। नहीं भाई, मैं 32 का नहीं हूँ, जाना भाई बहुत जगह है, कानपुर में भी रहा हूँ, तो पूरा इंडिया घूमा है, इसलिए नहीं मेरा कुछ खास कनेक्शन नहीं है। ऐसे जब गुंडे लोग आते हैं ना, ये मैं इधर का इलाके का हूँ, नहीं भाई मैं इलाके का नहीं हूँ, मैं इंडिया का हूँ। सैडली कभी मेरे को साउथ में कहीं पर रहने को नहीं मिला, तो बिकॉज कहीं पे भी जाते हो ना, कहीं पे भी रहते हो, उन लोगों के बारे में सीखने को मिलता है, उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, क्या नॉर्मल होता है क्या नहीं, वो सब सीखने को मिलता है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा रीज़न यही है, मैं हिंदी में जब ब्लॉग करने लगता हूँ ना, इतनी ज़्यादा बातें, अरे यार प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, हेडर में चिपक जाता है, रेडिएटर में चिपक जाता है। हिंदी में ब्लॉग करने का मेरा सबसे बड़ा यही इशू है कि जब मैं हिंदी में ब्लॉग करता हूँ ना, आई गेट कैरिड अवे और बोलता रह जाता हूँ, याद भी नहीं आता, मैं भूल भी गया कि ये मेरा वीडियो था 2018 का अपडेट, 2018 में क्या होने वाला है। भाई 2018 में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, बहुत बड़ा साल होने वाला है 2018। बाइक और लाउड होने वाली है, बाइक और ख़तरनाक होने वाली है, बाइक और फास्ट होने वाली है, वीडियोस रेगुलर होने वाले हैं, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है, ऑडियो का क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है, सब कुछ चेंज करने वाला हूँ, अलग नॉट चेंज करने वाला, सब कुछ इंप्रूव करने वाला हूँ। चेंज इज नेवर गुड, आई डोंट लाइक चेंज अंटिल अनलेस आई एम चेंजिंग माय बाइक, वो भी इंप्रूवमेंट ही होना चाहिए। चलो अंदर चला जाए। ओके भाई लोग, ऑफिस पहुँच चुका हूँ, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है? आपको समझ नहीं आएगा ऑफिस किधर है, आगे है पीछे है, किधर है ऑफिस? I'll catch you guys next time. Bye-bye.